PCOS या डायबिटीज, दोनों कंडीशंस में इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस वो है जब पैनक्रियाज या तो अच्छे से ये हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता या बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस वेट ज़्यादा होने पे भी होता है। सो आप लोगों को सबसे पहले अपना वेट अंडर कंट्रोल रखना है। वेट अंडर कंट्रोल का ये मतलब है कि आपका मसल अप एंड विसरल फैट डाउन। कार्बोहाइड्रेट्स आपको अपने डाइट में कम करने हैं। जो डायबिटीज की डाइट रहती है वही आपके पीसीओएस की डाइट रहती है। सो जब आपके बॉडी में अच्छे से इंसुलिन नहीं काम करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, तो आपके ओवरीज में एंड्रोजन्स प्रोड्यूस होते हैं। वो जो एंड्रोजन्स हैं वो टेस्टोस्टेरॉन्स का काम करते हैं, वो टेस्टोस्टेरॉन्स हैं। सो टेस्टोस्टेरॉन्स डेफिनेटली आपको फेशियल हेयर देगा, आपका मूड स्विंग्स देगा, आपको और कंडीशंस जो कि जैसे मेल बॉडी होती है, मेल फीचर्स होते हैं, या फिर हम फीमेल्स को कंसेप्शन करने में प्रॉब्लम होता है, कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए आप अपने डाइट में क्या करें, कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा सा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम करें, प्रोटीन्स लीन प्रोटीन को इंक्रीज कर दें, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें एंड सैलड्स को प्यार करें, फ्रूट से ज़्यादा सैलड खाएं।